15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 डीएक्स, इसी का इसी करना है। अगर इंटरनल पावर में है, अगर हटने लायक होगा तो हटाएंगे, किस तरह से हटाएंगे देखिए, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं माइनस 1 के स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए हो गया माइनस बी हो गया, ए प्लस बी पुनः ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, फिर इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 1 बाई ए माइनस बी और ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये इसके अलावा नहीं टूट सकता है, फैक्टराइज नहीं हो सकता इसे आगे, फैक्टराइज नहीं हो तो पार्शियल फ्रैक्शन मारेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिनियर है कॉन्स्टेंट बाई एक्स माइनस 1, एक बार होल पावर है एक बार लिखेंगे, ये भी लिनियर है तो इसको भी कॉन्स्टेंट बताएंगे, एक बार होल पावर है तो एक बार लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक है स्क्वायर है, जब ये क्वाड्रेटिक रहता है ऊपर में लिनियर लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी अपॉन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वेशन ए, ए लिखने के बाद में यहाँ पे स्क्वायर है तो लॉन्ग कट मेथड काम नहीं करेगा, शॉर्टकट मेथड, चलिए शॉर्टकट मेथड बनाते हैं, 1 इक्वल टू ये तीनों जाएगा मल्टीप्लाई में, एक ठो कटेगा तो दो ठो बचेगा, ए इंटू कौन कौन बचेगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी इंटू, इसमें प्लस वाला कटेगा तो माइनस वाला बचेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी, यहां से क्या कटेगा एक्स स्क्वायर वाला कटेगा तो बचेगा 2 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, सबका मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए 1 इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस यहां हो जाएगा बी एक्स क्यू, इसके बाद हो जाएगा यहाँ क्यू है बी एक्स क्यू, बी से एक्स में होगा तो प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा सी एक्स क्यू माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी, समान घात को एक में करेंगे 1 इक्वल टू एक्स क्यू यहां है यहां है यहां है तो यहां पे मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब कॉमन प्लस एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है एक ठो यहाँ है एक ठो सबको कॉमन कीजिए ए बचेगा यहाँ पे माइनस बी बचेगा माइनस बी यहाँ पर प्लस डी हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर कॉमन है प्लस एक्स वाला एक्स वाला वहाँ एक ठो तो ए बचेगा यहाँ पे कॉमन यहाँ कमन लेने के बाद एक बचेगा यहाँ पे प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट यहाँ पे कॉन्स्टेंट ए है प्लस यहाँ पे कॉन्स्टेंट माइनस बी है यहाँ पे कॉन्स्टेंट माइनस बी है
एक्स के समान घात को दोनों तरफ तुलना करने पर, एक्स के समान घात को दोनों तरफ तुलना करने पर, एक्स के समान घात को दोनों तरफ तुलना करने पर चलिए एच के समान घात को तुलना कीजिए, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, एच के समान घात को तुलना करने पर यहां देखिए एक्स क्यू के कोफिशियंट गुणक कितना है, ए प्लस बी प्लस सी। ओने कितना है एस क्यू के कोफिशियंट, उधर एस क्यू नहीं है तो जीरो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट कितना है, ए माइनस बी प्लस डी, उधर एक्स स्क्वायर है का नहीं है तो जीरो लिखेंगे इक्वेशन सेकंड। एक्स के कोफिशियंट ए प्लस बी माइनस सी, एक्स है का उधर नहीं तो जीरो, इक्वेशन थर्ड। इसके बाद कॉन्स्टेंट ए माइनस बी माइनस डी इक्वल टू कितना हो गया, वन, इक्वेशन फोर। अब इसको देखिए किसको किसको एक साथ करेंगे, सी सी कट जाएगा, इसको करेंगे एक साथ डी है तो ये दो हाई दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं थ्री वन, यानी वन प्लस थ्री, और इसको एक साथ जोड़ते हैं टू प्लस फोर, थ्री लिखे हाँ यहाँ पे थ्री है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, ऐड करेंगे तो ये कटेगा, टू कॉमन हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू कितना जीरो, ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन फाइव, और इक्वेशन बन चुका है। इधर ये टू को लिखिए ए माइनस बी प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया जीरो, उसके बाद फोर इक्वेशन कितना है ए माइनस बी माइनस डी इक्वल टू जीरो, कट जाएगा टू कॉमन होगा ए माइनस बी, दो ए आएगा दो बी आएगा तो माइनस जीरो, टू है गुणा में तो भाग होकर जीरो हो जाएगा, यानी ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा, एक वन था कौन तो ना चार नंबर यहाँ वन था ना तो वन है तो ये वन आएगा, यानी ए माइनस बी बराबर वन बाई टू, समीकरण छ दोनों को जोड़ देते हैं फाइव प्लस सिक्स, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई टू, कट गया टू ए बराबर हो गया वन बाई टू, ए इक्वल टू वन बाई फोर, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ए का मान आ गया फाइव में रख देते हैं, फाइव में क्या करते हैं रख देते ए बराबर वन बाई फोर पुट इन फाइव हो गया, फाइव बोल लिख देते इक्वेशन है पुट इन फाइव, पुट कीजिए ए का वैल्यू वन बाई फोर है प्लस बी इक्वल टू का है जीरो, तो बी इक्वल टू आपका आ गया माइनस वन बाई फोर, ए और बी का हो गया मालूम हो गया। अब ए और बी का मान डालते हैं थ्री में, ए बी पुट इन ए इक्वल टू वन बाई फोर, बी इक्वल टू माइनस वन बाई फोर पुट इन थ्री, थ्री में जब पुट करेंगे तो कहाँ मिल जाएगा सी मिल जाएगा, यह है वन बाई फोर, यह हो गया माइनस वन बाई फोर और माइनस सी इक्वल टू जीरो, ये कट गया सी इक्वल टू कितना आ गया जीरो, सी इक्वल टू कितना आ गया जीरो, तो सी इक्वल टू जीरो आने के बाद अब डी में डी का वैल्यू निकालना है, बिठाइए इसको जल्दी से। बी का मान फोर में क्या करते हैं पुट करते हैं, फोर का ए है तो ए का मान डालते हैं वन बाई फोर, अब माइनस बी है तो बी का मान माइनस वन बाई फोर, माइनस डी इक्वल टू कितना है वन, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया डी को इधर लाते हैं इसको इधर, तो ये कब वन बाई फोर हो जाएगा टू गो वन बाई का फोर,
माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा डी। अब ये कटेगा टू से तो वन बाय टू माइनस वन इक्वल टू डी, दे आर इम्प्लाई डी इक्वल टू कितना जाएगा वन बाई टू माइनस वन बाई टू, डी इक्वल टू कितना आएगा माइनस वन बाई टू। ए बी सी डी का मान समीकरण में क्या करने पर रखने पर ए बी सी तथा डी का मान डी का मान समीकरण ए में रखने पर आइए रखते हैं तो समीकरण ए आपका क्या है आया था वन बाई है एक्स के पावर एक्स माइनस वन था वो कितना था एक्स माइनस वन पार्शियल फंक्शन किए थे ना एक्स प्लस वन आया था एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका वैल्यू आया था वन बाई फोर बाई एक्स माइनस वन माइनस वन बाई फोर बाई एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स बाय डी था सी का मान जीरो इंटू एक्स प्लस डी का मान माइनस वन बाई टू अब बाई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन पुट कर दिया सबका मान ये हुआ ए का मान पुट किया बी का मान पुट किया सी का मान जीरो प्लस डी का मान पुट किया सबका वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेट बोथ साइड मतलब x के सापेक्ष का करने पर समाकलन करने पर x के सापेक्ष समाकलन करने पर समाकलन करने पर आइए समाकलन कीजिए इंटीग्रेशन हो गया वन अपॉन x माइनस वन x प्लस वन ये हो गया x स्क्वायर प्लस वन dx ठीक है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा वन बाई फोर इंटीग्रेशन वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स वन बाई फोर इसका भी बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस ये वन बाई टू टू बचेगा ये जीरो हो जाएगा तो वन बाई टू हो गया इंटीग्रेशन वन बटा में एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं ठीक है डी एक्स चलिए डी सी सेट है तो वन बाई फोर लॉग मॉड हो जाएगा नीचे वाला मतलब x माइनस वन माइनस वन बाई फोर हो जाएगा डी सी सेट है लॉग मॉड x प्लस वन माइनस वन बाई टू ये फॉर्मूला है टैन इनवर्स x का ये किसका डी सी है टैन इनवर्स x का डी सी है तो इसका आई सी क्या हो जाएगा टैन इनवर्स x टैन इनवर्स x प्लस सी यहाँ से वन बाई फोर कॉमन है कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा log x माइनस वन माइनस log x प्लस वन वन बाई टू टैन इनवर्स x प्लस सी अब इसका आंसर क्या होगा आंसर में आपको ये भाग वाला माइनस में चल जाएगा वन बाई फोर हो गया log mod x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी दिस इज द क्या हो गया आंसर चला इसके बाद कौन क्वेश्चन था सिक्सटीन 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 नंबर क्वेश्चन बोलिए सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है आपका लेट आई इक्वल टू वन बाई एक्स इंटू एक्स के पावर एन प्लस वन डी एक्स डगेदर इसको बनाना है उसमें हिंट्स के रूप में दिया हुआ है कि एस के पावर एन को टी मानेंगे एस के पावर एन को क्या मानेंगे टी टी मानेंगे टी मानने को बोल रहा है तो मान लेते हैं लेट एस के पावर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा टी एस के सापेक्ष अवकलन करने को एस के सापेक्ष अवकलन करने को अवकलन करने पर आइए अवकलन करते हैं एस के पावर एन का डीसी पावर उतार के पावर का करेंगे घटा देंगे
एक्स का डीसी वन टी का डीसी डी टी अपॉन डी एक्स देयर इंप्लाइज देयर इंप्लाइज डी एक्स इक्वल टू हमको वैल्यू निकलना है तो ये हो जाएगा डी टी डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन एन एक्स के पावर एन माइनस वन सबका वैल्यू पुट कीजिए आई इक्वल टू वन बाई ध्यान दीजिएगा एक्स छोड़ दीजिए इसको टी माने रख दीजिए इसका डी एस के मान हाँ प्लस वन है डी एस के मान कितना हो गया डी टी बटा में एन एक्स के पावर एन माइनस वन अब यहाँ देखिए वन बाई एन बाहर आ गया इंटीग्रेशन वन बाई इसको इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में तो पावर जोड़ होगा तो एक्स के पावर वन प्लस एन माइनस वन इंटू टी प्लस वन डी टी अब आपको देखिए वन से वन का हो गया वन बाई एन है एस के पावर एन बच गया एस के पावर एन बराबर क्या जानते हैं टी यहाँ पर लिख देते हैं टी इंटू टी प्लस वन डी टी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे होल पावर वन है तो ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन ये इक्वेशन ए हो गया शॉर्ट में ए बराबर निकाल लेंगे चलिए आगे निकालते हैं तो चीन तीन चेक करा ए इक्वल टू ध्यान से देखिए ए इक्वल टू शॉर्ट में लिखते हैं तो ए इक्वल टू जब हम लिखेंगे ए के नीचे वाला कट जाएगा तो वन बटा में क्या बचेगा टी प्लस वन और जो कटा है तो हम टी इक्वल टू क्या कर दो जीरो कर दो तो जीरो रख दो इसके बाद वन बाई जीरो प्लस वन बराबर कितना आ गया वन बी का वैल्यू निकालते हैं अब बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये टी हो जाएगा वन बाई टी हो जाएगा जो टी प्लस वन कटा है तो इसको इससे करेंगे जीरो टी प्लस वन इक्वल टू कितना जीरो टी का मान निकालेंगे माइनस वन आ गया अब वह माइनस वन को क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं इससे तो वन बटा में माइनस वन इक्वल टू माइनस वन ए तथा बी का मान ए तथा बी का मान मान समीकरण समीकरण ए में क्या करने पर रखने पर ए में रखने पर आइए रखिए ए में तो ए में जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका वन बाई टी इन टू टी प्लस वन ए का मान रखिए वन बाई टी है प्लस बी का मान रखिए माइनस वन बाई टी प्लस वन अब हो गया इतना रख दिया बी का मान तो इसके बाद में क्या करेंगे टी के सापेक्ष समाकलन करने पर 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 आइए टी के सापेक्ष समाकलन करते हैं इंटीग्रेशन वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन डी टी ये हो गया इंटीग्रेशन वन बाई टी डी टी माइनस बाहर आ गया वन बाई टी प्लस वन डी टी डी सी सेट है लॉग मॉड टी माइनस डी सी सेट है लॉग मॉड टी प्लस वन प्लस यहाँ देखिए भाग में चल जाएगा माइनस वाला तो लॉग मॉड टी बटा में हो जाएगा टी प्लस वन प्लस सी इंटीग्रेशन कितना बराबर है वन बाई टी प्लस टी टी इंटू टी प्लस वन डी टी ठीक है तो आपको देखना है यहाँ पे कि उसमें रखिए उसका वैल्यू आपका आई इक्वल टू रखेंगे कितना आया था ध्यान दीजिएगा ये वन बाई एन था पहले वन बाई का था एन था उसके बाद में इंटीग्रेशन था वन बटा में टी इन टू टी प्लस का था वन डी टी अब एक और आईसी कितना आ गया लॉग मॉड एक आईसी आ गया वन बाई एन लॉग मॉड टी बटा में टी प्लस वन प्लस सी अब टी का मान रख दो वन बाई एन है लॉग मॉड टी का मान है एस के पावर एन
बाई एक्स के पावर एन प्लस कितना वन और प्लस सी, दिस इज द क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कौन 17 क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन। लेट आई इक्वल टू दिया है यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स इंटू टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर डीसी सेट है, साइन एक्स का डीसी का है सेट है कॉस एक्स पर, लेट साइन एक्स इक्वल टू मानेंगे टी, टी मानने के बाद में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एस के सापेक्ष अवकलन करने पर एस के सापेक्ष लिख दिया अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, एक्स का डीसी वन इक्वल टू टी का डीसी डी टी अपॉन डी एक्स, देयर इंप्लाइड डी एक्स का मान निकलिए डी टी अपॉन हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसको क्या करते हैं पुट करते हैं कॉस एक्स हो गया यही कितना हो जाएगा वन माइनस टी इन टू हो जाएगा टू माइनस टी का मान डी एस का मान आया है डी टी अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया क्या बच गया आपका आई इक्वल टू वन बाई वन माइनस टी इन टू टू माइनस टी डी टी। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न, आइए देखते हैं छोटा ऊपर में उठ जाता है तो आंशिक भिन्न करते हैं। यहाँ पे वन अपॉन दिया हुआ है वन माइनस टी इंटू वन माइनस टू माइनस टी, इसका पार्शियल लिनियर है तो लिनियर है यहाँ पे वन तो ए अपॉन लिखेंगे वन माइनस टी प्लस बी अपॉन भी लिनियर है टू माइनस टी, इसको ए इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं, स्क्वायर नहीं है इसमें शॉर्टकट लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं शॉर्टकट ए इक्वल टू इसके नीचे वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या वन बाई टू माइनस टी, ये हो गया वन माइनस टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू कितना आ गया वन, वन पुट कीजिए वन बाई टू माइनस वन इक्वल टू वन, वन आ गया बी इक्वल टू निकलते हैं बी के नीचे वाला कट जाएगा तो वन बाई हो जाएगा वन माइनस टी, यहाँ पे कौन कटा है टू माइनस टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू कितना आ गया टू, वन बाई वन माइनस टू इक्वल टू माइनस वन, ए बी का मान निकल गया ए तथा बी का मान, बी का मान मान समीकरण ए में रखने पर, ए में रखने पर चलिए ए में रखिए आगे चल के क्या करते हैं रखते हैं वन बटा में कितना हो गया वन बाई हो गया वन माइनस टी इंटू था टू माइनस टी, ए का मान कितना आया था वन बाई वन माइनस टी, बी का मान कितना आया था माइनस वन बाई टू माइनस टी। अब टी के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर टी के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन, आइए दोनों तरफ समाकलन करते हैं इंटीग्रेशन वन बाई वन माइनस टी टू माइनस टी डी टी इक्वल टू वन बाई वन माइनस टी डी टी माइनस वन बाई टू माइनस टी डी टी, डीसी सेट नहीं है देखिए डीसी सेट करते हैं वन माइनस टी माइनस बाहर ले जाते हैं इसको प्लस बना देते हैं माइनस अंदर ले जाते हैं वन बटा में टू माइनस टी ऐसे टाइप कर दिया क्योंकि इसका डीसी करेंगे तो जीरो माइनस वन आएगा बराबर माइनस वन।
तो माइनस वन लाने के लिए इसको प्लस माइनस बाहर अंदर। अब देखिए यहाँ भी माइनस लाने के लिए माइनस माइनस कर दिए, कहा डीसी का हो जाएगा सेट हो जाएगा बिना, इसका डीसी आ जाएगा जीरो, इसका डीसी माइनस वन एंड डीसी माइनस वन, तो माइनस वन तो है नहीं ऊपर में, तो माइनस लाने के लिए अंदर और बाहर माइनस का कर देना, डीसी सेट है डीसी आ गया, तो माइनस की हो जाएगा लॉग मोड नीचे वाला वन माइनस टी प्लस लॉग मोड नीचे वाला टू माइनस टी प्लस सी, भाग में माइनस वाला नीचे चल जाता है तो प्लस वाला ऊपर आ गया, प्लस है तो ऊपर आ गया टू माइनस टी अपॉन वन माइनस टी प्लस सी, टी का वैल्यू रख दीजिए लॉग कितना हो जाएगा टू माइनस टी, टी का मान किसको माने थे साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स प्लस सी, दिस इज द का हो गया आंसर। करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा 18 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 18 नंबर क्वेश्चन, लेट आई इक्वल टू, बहुत हैवी मोड के क्वेश्चन है, हैवी मोड के का मतलब x स्क्वायर प्लस 1, चलो हो गया x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4, अरे चला x स्क्वायर प्लस 4 ये का हो गया dx। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर सभी जगह है, ऐसा आप लोग को थ्योरी में भी क्वेश्चन बनाए हैं, x स्क्वायर इक्वल टू मान लेंगे t, t नहीं मानेंगे y मान लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू का मान लिए y, सभी जगह लिखेंगे y, चलिए आते हैं लिखते हैं, यहाँ सभी जगह क्या करते हैं लिखते हैं, आइए तो यहाँ हो गया i इक्वल टू हो गया आपका y प्लस वन y प्लस टू बाई वाई प्लस थ्री y प्लस थ्री, आइए हो गया y प्लस फोर, आइए हो गया हाँ ऐसे यहाँ लिखेंगे इतना इक्वल टू, एक बार मिटा यहाँ आने x स्क्वायर प्लस वन, यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस टू, वही लिखेंगे घबराना नहीं है, x स्क्वायर प्लस थ्री, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर इसको लिख देंगे वाई, वाई प्लस वन हो जाएगा वाई प्लस टू हो जाएगा वाई प्लस थ्री हो जाएगा ये हो जाएगा वाई प्लस फोर। अब देखिए आपको पावर सेम आ रहा है, हाईएस्ट पावर टू है ऊपर में, नीचे में भी हाईएस्ट पावर कितना है टू है, मतलब अंश का उच्चतम घात हर के उत्तम घात के बड़ा नहीं है तो बराबर है, बड़ा होगा तो भी इम्प्रॉपर मतलब अनुचित परिमेय फलन, और बराबर होगा तो भी अनुचित परिमेय फलन, जब अनुचित परिमेय फलन होगा तो उसका समाकलन सीधे नहीं किया जा सकता, तो अनुचित परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, इसका दो मेथड है, अंश को हर के रूप में लिखते हैं या तो भाग देते हैं, तो अंश को हर के रूप में लिखना थोड़ा कठिनाई होती है, तो यहाँ पे भाग मेथड लगाएंगे, कौन मेथड भाग मेथड, तो सबसे पहले भाग इसका फैक्टर में नहीं दिया, भाग फैक्टर में चाहेंगे कि फैक्टर में भाग दे तो फैक्टर में भाग का होगा नहीं दिला पाएगा, जब फैक्टर में भाग नहीं दिला पाएगा तो आपको यह सोचना होगा कि जब फैक्टर में भाग नहीं दिला था मल्टीप्लाई कर देते, आइए मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा वाई स्क्वायर टू वाई प्लस वाई प्लस थ्री वाई, अब प्लस टू एकम टू, यहाँ देखें नीचे में मल्टीप्लाई करते हैं वाई स्क्वायर थ्री वाई प्लस फोर वाई सेवन वाई अब प्लस ट्वेल्व, ठीक है इसके बाद देखिए भाग देते हैं वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई में भाग देंगे, थ्री वाई प्लस टू ऊपर वाला में भाग देते हैं नीचे वाला से वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई अब प्लस ट्वेल्व, एक बार में ले जाएंगे वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व माइनस 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 कट गया, माइनस बचेगा फोर वाई माइनस टेन, इससे ज्यादा जाएगा अब नहीं, तो क्या करेंगे इतना इक्वल टू लिखेंगे, इतना इक्वल टू लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वाई पुट किया है तो वाई किया है, अब देखिए इतना बराबर होता है आपका इतना इंटू इतना प्लस इतना, अब देखिए चलिए लिखिए
वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू हो जाएगा वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व, भाग वाला कर देते हैं, और ट्वेल्व अब प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेते हैं, फोर वाई अब प्लस कितना हो जाएगा टेन, वाई प्लस कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लिया। देखें नोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर नहीं है, अंश बन गया, हर नहीं है, तो हर से दोनों तरफ भाग करने पर हर, हर कौन है वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व, हर इतना से दोनों तरफ भाग करने पर, से दोनों तरफ भाग करने पर तो आइए भाग करते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू बन जाएगा, अब वाई इतना वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई अब प्लस कितना हो जाएगा ट्वेल्व, यहाँ भाग दे देंगे तो वन हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो फोर वाई प्लस टेन अपॉन ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व, ठीक है। यहाँ देखिए इसका वैल्यू इतना आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया इतना आ गया, अब इसके जगह पे इतना लिखेंगे, इसके जगह पे इतना, सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं समझिए, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद समाकलन करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं समाकलन करते हैं, लेकिन बात यहां दिक्कत है समाकलन करने में, हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए, इसमें x है ही नहीं, x है क्या नहीं है, x नहीं है ना, तो x नहीं है तो क्या करेंगे, अब इसको फिर से तोड़ेंगे, इसको पुनः क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो पुनः तोड़ते हैं, देखिए पहले इसको लिखिए, अब ये चीज जो है आप देख लीजिए, इसको हम इतना नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो इसको फैक्टराइज, सबका फैक्टराइज कर दीजिए, y प्लस वन आ गया, y प्लस टू आ गया, y प्लस थ्री हो गया, या y प्लस फोर हो गया, इक्वल टू वन माइनस, ये तो रहने दीजिए, फोर वाई प्लस कितना टेन, इसका भी हो जाएगा कितना वाई प्लस थ्री, अब वाई प्लस कितना हो जाएगा फोर, रहने देते हैं। अब देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं वन, इसको हम क्या मान लेते हैं वन मान लेते हैं, अब देखिए वन मानने के बाद अब इसका अलग से निकाल लेते हैं, अलग से निकाल के तब डालेंगे, आइए निकालते हैं, ये भी फैक्टर में है, फैक्टर में है तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है आंशिक भिन्न, ये लिखते हैं फोर वाई प्लस कितना है टेन अपॉन, फैक्टर लिखिए वाई प्लस थ्री इंटू वाई प्लस फोर, लिनियर है तो कॉस टेन बाई वाई प्लस थ्री, लिनियर है होल पावर एक है, एक बार लिखेंगे, लिनियर है तो कॉस टेन होल पावर एक है तो एक बार लिखो वाई प्लस फोर, समीकरण का हो गया ए, ध्यान दीजिएगा समीकरण का हो गया ए, अब इसका शॉर्टकट मेथड से ए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा ए इक्वल टू एक नीचे वाला कट जाएगा तो क्या बच जाएगा फोर वाई प्लस टेन अपॉन क्या बचेगा वाई प्लस फोर, वाई प्लस कितना बचेगा, अजोन का देख रहे हैं ना, ये कट जाएगा फोर वाई प्लस टेन वाई बचेगा वाई प्लस कितना फोर, अजोन कटा है तो यहां लिखेंगे वाई प्लस थ्री इक्वल टू कितना, तो वाई इक्वल टू कितना आएगा माइनस थ्री, वाई इक्वल टू कितना आएगा माइनस थ्री आएगा, तो इसी y के वैल्यूआ को y इक्वल टू माइनस थ्री आया पुट करिए इसमें y के जगह पे, तो फोर इंटू माइनस थ्री प्लस टेन बाई माइनस थ्री प्लस फोर ये आएगा माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व में से टेन गया माइनस टू बाई वन आएगा, तो वन लिखो बाई में चाहे मत लिखो, तो a का वैल्यू आ गया, इसी प्रकार किसका वैल्यू निकालेंगे b का, बी इक्वल टू निकालते हैं का इक्वल टू, बी इक्वल टू निकालेंगे तो कितना होगा फोर वाई प्लस टेन
अपॉन, ध्यान से देखिएगा, बी के नीचे वाला कट जाएगा तो कितना बचेगा, वाई प्लस थ्री, कौन कटल है, वाई प्लस फोर इक्वल टू कितना जीरो, वाई इक्वल टू आ गया माइनस फोर, पुट कीजिए फोर इंटू माइनस फोर प्लस टेन बाई माइनस फोर प्लस थ्री, ये हो गया माइनस सिक्स अपॉन माइनस वन इक्वल टू सिक्स, ए के मान आया था कितना, तब रख देंगे मान ए तथा बी का मान, ए तथा बी का मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में क्या करने पर, रखने पर, चलिए भाई साहब को रखिए, तो ए में रखेंगे तो ये था फोर वाई प्लस टेन बाई वाई प्लस थ्री वाई प्लस फोर, ए का मान कितना आया था आप लोग का माइनस टू, माइनस टू अपॉन वाई प्लस थ्री प्लस सिक्स अपॉन वाई प्लस कितना फोर। इसके बाद देखिए लड़के ए के मान रख करके और y के रिस्पेक्ट में समाकलन कर देगा जो कि बिल्कुल कहा है गलत है, क्यों गलत है, y के रिस्पेक्ट में क्यों ऐसी नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि पहला गलती तो है कि इसमें y है x नहीं है, हमारा क्वेश्चन कर रहा है x के रिस्पेक्ट में करने के लिए, दूसरा गलती कैसे करते हैं, y के रिस्पेक्ट में तभी आप समाकलन कर सकते हैं जब वहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जहां माने थे वहां अगर डीसी कर दिए होते ना, वहां अगर क्या कर दिए होते, डीसी कर दिए होते तो डीएस के जगह यहाँ पर क्या जाता डीवाई, तो आप वाई के रिस्पेक्ट में समाकलन कर सकते थे, लेकिन वहां पे वाई क्या था, वाई रह गया था, डीसी नहीं किए थे वहां पर, डीसी क्या किए थे नहीं किए थे, तो आपको हर हाल में एक्स के पदों में बनाना होगा और टोटल एक्स के पदों में जब बन जाएगा तब भी ऐसी करना है, अदरवाइज ऐसी क्या करना है नहीं करना है। आप सोचिए इसका वैल्यू आ गया, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे वन में, इट इज पुट इनटू पुट इन वन, कहां पुट करेंगे वन में, आइए वन में जब पुट करेंगे तो आपको वन के लिए क्या दिया गया था देख लीजिए, वन में जब पुट करेंगे तो वन में हम रख रहे हैं, वन में रख रहे हैं समीकरण वन में, यहाँ पे क्या था वन था, वन आने के बाद यहाँ माइनस था, इसका वैल्यू आ गया है, समझ रहे हैं, यहाँ पे था तो इसका वैल्यू आ गया है, इसका वैल्यू हम वन में डाल रहे हैं, इसका वैल्यू हम वन में क्या कर रहे हैं डाल रहे हैं, तो डालिए माइनस टू बाई कितना आया है वाई प्लस थ्री, अब प्लस सिक्स बाई कितना आया है वाई प्लस फोर, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको फिर से एक बार लिखेंगे वाई प्लस वन इंटू वाई प्लस टू, घबराना नहीं है, देखिए वाई प्लस थ्री वाई प्लस कितना हो गया फोर इक्वल टू वन, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस टू अपॉन हो जाएगा कितना वाई प्लस थ्री, माइनस सिक्स अपॉन हो जाएगा वाई प्लस कितना फोर, अभी भी ऐसी नहीं करेंगे क्योंकि एक्स के पदों में नहीं बना है, तो अब एक्स के पदों में बनाएंगे पुट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई का वैल्यू हर जगह क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, तब समाकलन करेंगे, ये अगर शुरू में ही डीसी कर लिए रहते तो हम पहले ही वाई के रिस्पेक्ट में आईसी कर चुकते चाहे कर लेते, लेकिन बात यहाँ है कि शुरू में भी डीसी करे तो कैसे, क्योंकि डीसी सेट नहीं था, क्योंकि डीसी सेट कैसे, डीसी सेट नहीं था, एक्स स्क्वायर का डीसी कितना आएगा टू एक्स, और क्वेश्चन में हमारे टू एक्स नहीं था, था क्या टू एक्स नहीं था, इस वजह से ही डीसी नहीं किए, और नहीं डीसी किए तो आपको वाई का वैल्यू हर हाल में पुट करके तब ऐसी करना है, y का वैल्यू हर हाल में पुट करके तब इसका क्या करना है ऐसे करना है, समझे, तो आप पुट कर दिए, आइए पुट करते हैं, अभी किए नहीं है, यहां देखिए आगे में करते हैं, y का वैल्यू लिखिए x स्क्वायर प्लस कितना हो गया वन
ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया टू बाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया थ्री, ये वाई की वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा फोर इक्वल टू का है वन प्लस टू बाई यहां एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस प्लस नहीं माइनस है माइनस सिक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स के रूप में हो गया। अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ का करने को समाकलन करने को एक्स के सापेक्ष, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन करने पर आइए समाकलन करते हैं इंटीग्रेशन। लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन वन डी एक्स प्लस टू बाहर निकल गया वन बाई देखो एक्स स्क्वायर बन गया तो यहां भी स्क्वायर बना देते हैं रूट थ्री के क्या हो जाएगा स्क्वायर ये हो गया डी एक्स माइनस सिक्स बाहर निकल गया वन बटा में एक्स स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर कर देते डी एक्स क्यों ऐसे किए हैं क्योंकि फॉर्मूला लगे जाए वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है वन बाई ए टेन इन बार एक्स बाई कितना ए प्लस सी यही फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स का तो आई सी हो जाएगा डी एक्स का आई सी एक्स चाहे वन का आई सी एक्स प्लस टू बाहर निकल गया इसका फॉर्मूला क्या होगा है ए है क्या है एक्स तो वन बाई ए मतलब रूट थ्री टेन इनवर्स इनवर्स एक्स मतलब एक्स बाई ए मतलब रूट थ्री माइनस सिक्स वन बाई ए मतलब टू टेन इनवर्स एक्स मतलब एक्स बाई ए मतलब टू अब प्लस का हो गया सी। अब देखिए कुछ कैलकुलेशन कर लिया जाए टू थ्री जा अब देखिए एक्स प्लस टू अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई रूट थ्री माइनस थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी दिस इज द क्या हो गया आंसर। देखिए इसका आंसर जल्दी से यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 लेट आर इक्वल टू अब देखिए 2x अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी लेट करते हैं एक्स स्क्वायर बराबर टी एक्स स्क्वायर बराबर क्या लेट करते हैं टी वाई कर सकते हैं कोई दिक्कत का है यहाँ पे डीसी करेंगे यहाँ पर डीसी करेंगे क्यों डीसी करेंगे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी मान लिया है टी मानने के बाद ये देखेंगे यहाँ पर डीसी होगा कि नहीं होगा डीसी करेंगे कि नहीं करेंगे एक्स स्क्वायर का डीसी अगर करते हैं तो 2x आएगा क्या आएगा 2x जैसे 2x और 1 और टी के डीसी हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स ये सोचिए तो 2x आ रहा है डीसी तो डीसी सेट है डीसी सेट है तो डीसी करेंगे डीसी सेट है तो डीसी करेंगे तो आइए कर दिए डीसी पावर उतार के पावर घटा दिया एक्स के डीसी 1 डी टी बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लीजिए डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन कितना 2x चलिए तो आई इक्वल टू रखते हैं ये 2x छोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर को टी माने टी प्लस 1 हो जाएगा आई हो जाएगा टी प्लस अब यहाँ रखिए अब डी एक्स का मान रखिए डी टी बाई कितना हो जाएगा डी टी बाई कितना हो गया 2x क्योंकि इसमें डीसी जब सेट रहता है तो हम डीसी कर देते हैं अगर डीसी सेट नहीं रहता तो हम यहाँ पर डीसी क्या करते नहीं करते जिस तरह 18 नंबर क्वेश्चन में डीसी नहीं रखे थे तो नहीं किए थे क्योंकि उसका डीसी सेट का था नहीं था तो उसमें डीसी नहीं किए थे लेकिन इस क्वेश्चन में डीसी सेट है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए डीसी कर दिए क्यों डीसी किया कि फायदा हुआ ये क्या हो जाएगा कट जाएगा क्या हो जाएगा कट जाएगा इसी वजह से डीसी किया गया था
आई इक्वल टू कितना हो गया, वन बाई टी प्लस वन इन टू टी प्लस थ्री। अभी आ गया का डी टी, कहा गया, अब देखो डी टी आ गया ना आपका, तो टी के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, आईसी करेंगे, क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, वहां नहीं आ रहा था, वहां ऐसा टी नहीं आ रहा था, डी एक्स था, इसी वजह से वहां वाई को एक्स में बदल के तब आईसी किए, लेकिन यहां जरूरत नहीं है, यहां डी टी आ गया, तो जब भी टी के पदों में पकड़ाएगा तो यहां पर आईसी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन वन बाई कितना हो गया, टी प्लस वन इन टू टी प्लस थ्री। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, ये लीनियर है तो कॉन्स्टेंट बाई टी प्लस वन, होल पावर एक है, एक के बाद लिखेंगे, प्लस ये भी लीनियर है बी बटा में टी प्लस थ्री, एक और होल पावर वन है तो एक के बाद लिखेंगे, ये समीकरण का हो गया, ये स्क्वायर कहीं भी नहीं है, तो शॉर्टकट मेथड ए इक्वल टू, ध्यान दीजिए ए के नीचे वाला कट जाएगा तो जोन बच जाएगा तो लिखिए वन बाई टी प्लस थ्री, जोन कट गया है उसको जीरो करेंगे, टी प्लस वन इक्वल टू कितना जीरो, टी इक्वल टू कितना जाएगा माइनस वन, अब टी का मान माइनस वन डालिए, वन बटा में माइनस वन प्लस थ्री इक्वल टू आ गया वन बाई टू, वन बाई कितना आ गया टू। इसी प्रकार बी का वैल्यू निकालते हैं, b इक्वल टू हो जाएगा, b के नीचे वाला कट जाएगा तो क्या बच जाएगा वन बाई टी प्लस वन, जो कटा है जीरो करेंगे, t इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस थ्री, माइनस थ्री रखिए वन बाई माइनस थ्री प्लस वन तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा। a तथा b का मान, a तथा b का मान, b का मान समीकरण ए में रखने पर, ए में रखने पर, चलिए ए तथा बी का मान समीकरण ए में रखिए तो समीकरण ए देखिए कितना, वन अपॉन टी प्लस वन और टी प्लस थ्री, ए के वैल्यू रखिए वन बाई टू बाई टी प्लस वन, प्लस बी का वैल्यू रखिए माइनस वन बाई टू बाई टी प्लस कितना है थ्री। देखिए अब टी के रूप में आ गया, ये सारा सिस्टम कहाँ में आ गया, टी में, यहाँ डी टी है ना जी, तो हम यहाँ टी के रिस्पेक्ट में ऐसी कर सकते हैं ना, तो टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, चलिए आते हैं दोनों तरफ समाकलन करते हैं, वन बाई ये हो गया टी प्लस वन, ये हो गया टी प्लस थ्री डी टी, वन बाई टू बाहर, वन बाई टी प्लस वन डी टी माइनस वन बाई टू बाहर, वन बाई टी प्लस थ्री डी टी, यहाँ देखिए वन बाई टू डी सी सेट है, डी सी का टी का डी सी, टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा वन जीरो, तो वन डी सी सेट है तो लॉग मॉड टी प्लस वन, एफ ऑफ एक्स मतलब टी प्लस वन, वन बाई टू इसका भी डी सेट है वन प्लस जीरो तो लॉग मॉड नीचे वाला मतलब टी प्लस थ्री प्लस थ्री, यह फॉर्मूला ये वाला लगा है जैसे इंटीग्रेशन एवरेज ऑफ एक्स होता है ना, अब भाई कितना होता है एफ ऑफ एक्स पूरा का डीसी सेट है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड कितना एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ये फॉर्मूला का हुआ है लगा। अब देखिए वन बाई टू कॉमन ले लो, लॉग मॉड कितना हो जाएगा टी प्लस, तो लॉग मॉड टी प्लस वन इसमें वन बाई टू कॉमन किया माइनस लॉग मॉड कितना हो जाएगा टी प्लस थ्री, यहाँ पे प्लस सी माइनस वाला कहाँ तक जाता है भाग में, वन बाई टू लॉग मॉड टी प्लस वन बाई टी प्लस थ्री प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे वन बाई टू लॉग मॉड टी का मान कितना है
एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और प्लस सी डीसी दिखा जाएगा आंसर। ठीक है तो चलिए अब कहेंगे कि हम टी मानिए कर बनाएंगे तो यहाँ टी माना जाता है ना, उसे कोई मतलब नहीं है, हमेशा उस तरह नहीं चलेगा। इसका अगला क्वेश्चन कल चलेगा। ये लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन तो लॉग एम बाई का हो गया एन। अब टी का मान क्या रख दिए एक्स स्क्वायर, रखने के बाद यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।